तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। गिव इट टू मी लाइक बहुत डल फील कर रही थी, लाइक बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तो मैंने सोचा अपने आप को थोड़ा सा खुश करने के लिए अपने फेस पे या फिर अपनी स्किन केयर करते हैं। तो जो मैं हूँ ना, मैं अभी मैंने कोई मेकअप नहीं किया, कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ। तो अभी मैं आपको अपना जो मैं फेशियल करती हूँ वो मैं आज आपको दिखाऊँगी कि मैं कौन सा फेशियल करती हूँ, और ये पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा, मैं कोई भी रूल को फॉलो नहीं करती, मुझे जो ठीक लगता है मैं वो स्टेप पहले करती हूँ और अपनी स्किन को मेंटेन रखती हूँ। सबसे पहले मैं लगाऊंगी मसाज क्रीम। तो मसाज क्रीम ये है, इसकी पिक्चर मैं साथ अटैच कर दूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कैमरे में क्यों वीडियो नहीं बना रही, कैमरे में वो जो मेमोरी कार्ड था वो हम लेके नहीं आए। तो मैंने सोचा आज की वीडियो से गुजारा कर लेते हैं, फिर जब कार्ड आएगा तो वो भी बना लेंगे। तो आपको मेरी वॉइस से अंदाजा हो रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा डल थी। फिर ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं नेक्स्ट डे कर रही हूँ। तो अपने आप को थोड़ी स्किन केयर करके मैंने अपना माइंड फ्रेश किया। अच्छा, अगर आपकी एज इतनी ज्यादा नहीं है ना, तो आपको कोई जरूरत नहीं है ज्यादा सारा मसाज करने की। हल्का सा अप्लाई कर लें अपने पूरे स्किन पे और वो जब अंदर चली जाए तो दैट्स इट। यहाँ पे पहले मैंने बाल खोल के अपना फेशियल स्टार्ट कर लिया, फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं, मुझे बाल बंद कर लेने चाहिए। फिर मैंने बाल बंद किए और उसके बाद मैंने अगला काम किया। फिर मैं इसको लगा के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर बाद, जब अंदर चले जाएगी फिर पानी लगा के फिर दोबारा मसाज करती हूँ मैं। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लगाई थी और ये थोड़ी थोड़ी फेस के अंदर भी जाना शुरू हो गई है। तो अब मैं थोड़ी सी मसाज क्रीम और लूँगी, थोड़ी सी लाइक इतनी से, और हल्का सा मसाज करेंगे। जिनकी एज ज़्यादा होती है ना, उनको ज़रूरत होती है कि बहुत ज़्यादा वो फॉलो करें स्टेप्स को और उस टाइप से करें। लेकिन अगर आपकी एज छोटी है तो आप बस हल्का सा लाइट सा जैसा भी मसाज आता है ना आपको, आप वैसा कर लेंगे ना तो आपका फेशियल अच्छा हो जाता है। क्योंकि जिनके बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जी बच्चों के साथ आप पार्लर में जाके अपनी स्किन केयर नहीं करवा सकते, तो इसलिए फिर हम लोग अपने घर में ही कर लेते हैं। और अपने घर में फेशियल वगैरह मैंने तो ला के रखा होता है, तो अपनी स्किन केयर में करती रहती हूँ। जब मेरा मूड हो, जब मेरा दिल करे, तब मैं कर लेती हूँ। और ये फेशियल मैं काफ़ी देर बाद कर रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। फेशियल करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बार बार उठ के अपना फेस वॉश करें, एक ही दफ़ा आप अपना स्पंज ले लें और एक ही, मतलब जैसे कि मैंने ये रखा हुआ अपने पास, ये वॉशरूम का नहीं है, ये मैंने खुद ही ये स्पेशल इस चीज़ के लिए रखा हुआ है ताकि इसमें बंदा पानी डिप कर ले और यूज़ कर ले। ये देखिए, ये मेरा स्पंज है, बहुत क्यूट सा, तो इसको क्लीन कर लेते हैं। मामा का पार्लर था तो हम लोग कभी किसी पार्लर पे कहीं गए ही नहीं फेशियल करवाने, हमारे घर में सारी चीज़ें मतलब अवेलेबल होती हैं और सिर्फ वो यूज़ कर रहे थे। उसके बाद मैं ये स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, इसकी भी पिक्चर मैं ज़्यादा अटैच कर दूँगी। तो वैसे मुझे स्क्रब की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं होती बिकॉज मेरे फेस पर कोई इतनी पिम्पल नहीं है। कभी कभी पिम्पल आते हैं जो कि नेचुरल थिंग है, तो थोड़ा सा स्क्रब लेंगे और उसको अपने फेस पर लाइट लाइट से, अगर तो आपके फेस पे पिंपल है तो भी आप लाइट लाइट करें, अगर तो नहीं है तो भी आप लाइट लाइट करें। मतलब स्क्रब का मतलब ये होता है, स्क्रब का मतलब ये होता है कि आपके फेस पे अगर कोई डस्ट है ना तो वो उतर जाएगी, लेकिन अगर आपके फेस पे पिंपल है और आप पिंपल वाले पे जोर जोर से रगड़ेंगे तो वो और ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें लाइट लाइट से, फिंगर टिप से मैं इसको मसाज करती हूँ। टिप्स पे, जिनकी ये चीज़ बहुत काली होती है वो अपनी टिप्स पे ऐसे ऐसे करें। अच्छा, जो स्क्रब है ना, आप अपने बाजुओं पे, अपने लेग्स पे, अपने पाँव पे ज़ोर ज़ोर से कर सकते हैं, क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं इतना कोई ज़्यादा होता। तो ये जिनकी ये टिप्स ब्लैक होती है वो अपनी टिप्स पे स्क्रब लगाया करें। और ये देखिए, जैसे मैं पूरी बाजू पर मसाज कर रही हूँ, लाइक जहाँ जहाँ तक आप कर सकते हैं आप करें। 5 मिनट्स पे आपने मुंह में लगा लिया तो आप 5 मिनट आप क्या करेंगे। मैं अपने 5 मिनट्स में अपने हाथों को, अपने पाँव को मसाज करती हूँ। अच्छा जी, तो मैं अब फेस वॉश कर रही हूँ। पहले आपने मसाज क्रीम लगानी है, फिर आपने स्क्रब लगाना है, फिर आपने फेस वॉश कर लेना है। बार बार फेस वॉश नहीं करना चाहिए, लाइक एक दफ़ा ही आप पानी पास रख लें, और ये नहीं कि बार बार पानी उसको चेंज करते रहें, एक ही दफ़ा पानी डालें और उसी से अपना साफ करते रहें। किसी ने मेरी वो पॉलिशर वाली वीडियो नहीं देखी हो जाए, हम जाके देखें, लाइक इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। लाइक अगर आप इधर लगा लें और इधर ना लगाएं तो बहुत डिफरेंस होता है। तो मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है, लाइक ये क्यूने का होता है,
मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दी है, जिसे नहीं देखी जाके देखें। लाइक ये क्यूनिका होता है, इसके साथ पाउडर होते हैं, उनको मिक्स करके आपने लगाना होता है। सो ये कुछ इस तरह का होता है, लाइक ब्लू कलर का होता है, ये देखें। तो इसको मैं अब अप्लाई करूँगी मेरे फेस पे। अच्छा, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जहाँ पे आपके बाल होते हैं ना, जस्ट लाइक किसी के चिन पे होते हैं, किसी के फोरहेड पे होते हैं, वो जो वहाँ पे पहले लगाया करें ये वाली पॉलिशर। उसके बाद जो सबसे सेंसिटिव जगह होती है वो चिक्स होती है, तो चिक्स पे सबसे लास्ट पे लगाया करें। जैसे मैं लगा रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही लगाया करें। कई लोग होते हैं पहले चिक्स पे लगा लेते हैं, फिर उनको रैशेज हो जाते हैं, तो फिर वो सही नहीं लगता। तो ये देखें, जैसे मैं लगा रही हूँ, अगर आप ऐसे अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये पॉलिशर में काफ़ी अरसे बात कर रही हूँ, पता नहीं क्यों इतनी अरसे बात कर रही हूँ, ध्यान ही नहीं दिया अपने आप पे। तो मैंने सोचा आज मैं कर ही रही हूँ तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। आप लोग भी ये सारी चीज़ें ले आएँ, एक ही बार ले आएंगे तो आपका सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लाइक एक ही दफ़ा ले आएंगे तो आपको पॉलर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने पॉलिशर लगाने के बाद आप लोगों ने इसको 10 मिनट लगा के रखना और उसके बाद वॉश कर लेना है। अच्छा, 10 मिनट्स के बाद आपने वॉश कर लेना है, और अगर आपको थोड़ी सी इचिंग फील हो तो आप लोगों ने एक आइस क्यूब ले लेनी और उसका मसाज कर लेना है। और सिर्फ 10 मिनट्स के बाद मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था, जो मूड ऑफ था वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद ये मड बाक्स है, ये आप लोगों ने अप्लाई करना है, और इससे आप फ्रेश हो जाएंगे। और ये जो मड मार्क्स है ना, इसको लगाने के बाद ना आपका फेस बड़ा कूल हो जाएगा। लाइक अगर आपको इचिंग हो रही है तो आप ये भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने अपने पूरे फेस पे लगा लिया, और इसको ज़्यादा मसाज नहीं करना, सिर्फ इसको ऐसे लगा लेना, लाइक इसकी एक लेयर लगा देनी है, और ऐसे लगेगा आप फुल चिलर में बैठे हुए हैं। लाइक आपका फेस इतना ठंडा हो जाता है इसको लगाने के बाद। लाइक कई लोग होते हैं वो फेशियल करवाएं, उनको खारिश शुरू हो जाती है, तो आप लोग ये वाला मड मार्क्स ले आए, ये बहुत बेस्ट है। और जिनके घर में एसी नहीं है उनके लिए ये छोटा एसी है, लाइक इसको लगा के तो आपको एसी में बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं आपको ये कहूँगी, आप जब फेशियल करवाते हैं उसके बाद आप काम मत किया करें फ़ौरन किचन में जाके। कुछ लड़कियाँ काम करना शुरू कर देती हैं फिर उनको पिम्पल्स निकल आते हैं। कोशिश किया करें तब फेशियल करवाएं जब आपके कोई काम ना हो, खाना वगैरह आप लोगों ने बना लिया, उसके बाद अपना फेशियल करवाया करें, ताकि उसके बाद सिर्फ आप लोगों ने रेस्ट करना हो। तो इस मड मार्क्स को आपने तब उतारना है जब ये फुली ड्राई हो जाए। लाइक देखिए, जैसे मैं हाथ लगा रही हूँ, मेरे हाथ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, तो फिर आपने इसको वॉश कर लेना है। 10 to 15 मिनट्स मुझे लगे थे और ये ड्राई हो गया। फिर इसको फेस वॉश करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। भी नहीं होता, आप सारी चीज़ें लेके आएँ फेशियल की, जो मेन चीज़ें हैं, जैसे मैंने ला के रखी हुई हैं, आप लोग भी अपनी मेन चीज़ें ला के रख लें, ताकि आपका जो ये पॉलर का खर्चा है ये बच जाए। लेकिन कई लड़कियों को वैसे शौक होता है कि किसी से काम करवा लें तो फिर वो पॉलर जा सकती है। उसके बाद ये मैं एक मास्क लगा रही हूँ, शीट मास्क। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कोई ना कोई शीट मास्क अपने घर में ज़रूर ला के रखा करें। मैंने बहुत सारे शीट मास्क यूज़ किए हैं और मुझे सभी बहुत पसंद आते हैं। लाइक इसको लगाने के बाद तो एक अलग ही ग्लो आ जाता है आपके फेस पर। बेसिकली ये शीट मास्क बनाए इसलिए गए हैं कि इसको लगा के सिर्फ आपने रिलैक्स करना है, तो लगा के टेंशन ही नहीं सोचनी होती, बल्कि लगा के ऐसे चिल करना होता है। इसके ऊपर लिखा होता है कि 10 से 15 मिनट लगाना है, वो आपकी मर्जी, आप जब तक मर्जी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 मिनट लगा रही हूँ और आराम से लेट जाऊँगी लगा के। और क्योंकि मुझे आँखें बंद करके लेटना अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं टैब चला रही थी और 10-15 मिनट पता भी नहीं चला कब गुजर गए। और इस बीच में शेजिल भी सोई हुई थी, तो मैं आराम से अपना मी टाइम इंजॉय कर रही थी। और ये जी मैं अपना उतार रही हूँ अब। अच्छा, बेसिकली वाइट होना बात नहीं होती, अपनी स्किन को हेल्दी रखना बात होती है। तो शायद आपको कैमरे में मेरी स्किन इतनी फ्रेश ना लग रही हो, लेकिन जब मैंने शीशे में अपने आप को जाके देखा तो आई वाज लाइक OMG। अच्छा, ये मेरा सबसे फेवरेट काम है, मास्क को ऐसे तोड़ फोड़ के रख देना, बड़ा मुझे सेटिस्फाइंग फील होता है। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगी, जब आप बोर हो रहे हो या कोई टेंशन हो तो अपने आप को टाइम दिया करें, अपनी स्किन को टाइम दिया करें। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, एंड जाके मुझे इंस्टा पे फॉलो कर दें। अल्लाह हाफिज़।